यूपी में भेड़ियों का आतंक थमने का नाम नहीं ले रहा है। बहराइच में एक बार फिर भेड़िए ने हमला कर दिया है। इस बार उसने 11 साल के एक बच्चे पर अटैक किया है, जिसमें बच्चा घायल हो गया है। वहीं चंदौली में भी भेड़ियों के झुंड ने ग्रामीणों पर हमला किया। इस हमले में 7 ग्रामीण घायल हुए हैं। यूपी के बहराइच में भेड़िए ने रात में घर की छत पर सोते समय 11 साल के लड़के इमरान पर भेड़िए ने हमला किया। इमरान को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में प्राथमिक इलाज के बाद मेडिकल कॉलेज बहराइच में रेफर कर दिया गया है। जानकारी के मुताबिक भेड़िया खेत की तरफ से आया और जीना चढ़कर छत पर सो रहे बच्चे के गले पर हमला किया। यह पहला मामला है जब छत पर सो रहे बच्चे पर भेड़िए ने हमला किया है। जानकारी ये भी मिली है कि जिस जीने से चढ़कर भेड़िया छत पर गया है, उसमें दरवाजा नहीं था। गौरतलब है कि प्रशासन कमरे या छत पर दरवाजा लगाकर ही सोने की नसीहत देता रहा है, क्योंकि आदमखोर भेड़ियों का आतंक जारी है। वन विभाग के तमाम इंतजाम के बाद भी महसी इलाके के लगातार भेड़ियों के हमले की घटनाएं हो रही है। वन विभाग, पुलिस, पीएससी के जवान और जिले के कर्मचारी उन्हें पकड़ने के लिए गश्त कर रहे हैं। मामला महसी के इलाके के पीपरी मोहन गांव का है। चंदौली में भेड़ियों के झुंड ने ग्रामीणों पर हमला किया और इस हमले में 7 ग्रामीण घायल हुए हैं। भेड़ियों ने एक बकरी को भी अपना निशाना बनाया है। अचानक भेड़ियों के हमले से ग्रामीणों में भगदड़ मची हुई है। हालांकि खुद को संभालते हुए ग्रामीणों ने भेड़ियों का मुकाबला किया और एक भेड़िए को मार गिराया। सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने ग्रामीणों संग भेड़ियों को खदेड़ा। भेड़िए अपने घायल साथी को लेकर गंगा के कछार से होकर भाग निकला। मामला बलुआ थाना क्षेत्र के लक्ष्मणगढ़ गांव का है। बता दें कि करीब 110 गांव में सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है। अब तक कई लोगों को भेड़िए ने घायल किया है। सीएम योगी आदित्यनाथ ने भेड़ियों को देखते ही गोली मारने का आदेश दिया है।